हाय डॉक्टर अंजुम। हेलो। आजकल मैं लेजर डेंटिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सुन रही हूँ, ये क्या होता है? लेजर डेंटिस्ट्री में हम फोकस लाइट बीम यूज करते हैं वेरियस डेंटल प्रोसीजर्स के लिए। ये एक मॉडर्न और प्रिसाइज टेक्निक है जो हम काफी डेंटल ट्रीटमेंट्स में यूज करते हैं। ओह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, पर क्या ये सेफ है? बिल्कुल सेफ है। एक्चुअली लेजर डेंटिस्ट्री ट्रेडिशनल मेथड से ज्यादा सेफ होता है, बिकॉज ये लेस इन्वेसिव होता है। इसमें ब्लीडिंग कम होती है, पेनलेस होता है, सूचर्स नहीं लगते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है और एनेस्थीसिया भी कम लगता है। गुड टू नो डॉक्टर। तो लेजर से हम कौन कौन से प्रोसीजर्स कर सकते हैं? लेजर से हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जैसे टीथ व्हाइटनिंग, गम कॉन्टोरिंग, गम डिजीज ट्रीटमेंट, रूट कनाल डिस इन्फेक्शन एंड इवन बायोप्सीज भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हम सारे ही सॉफ्ट टिश्यू ट्रीटमेंट्स में लेजर का यूज कर सकते हैं। तो क्या ये ट्रीटमेंट्स टाइम कंज्यूमिंग होती है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये ट्रेडिशनल मेथड से क्विकर होता है, रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और रिकवरी भी फास्ट होती है। ओह, तो इसके कोई डाउनसाइड्स है भी या नहीं? मेन डाउनसाइड ये है कि सारे डेंटल प्रोसीजर्स लेजर से नहीं हो सकते और ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है ट्रेडिशनल मेथड्स के कंपैरिजन में, लेकिन प्रिसीजन, कंफर्ट और फास्टर रिकवरी जैसे बेनिफिट्स को देखते हुए ये बिल्कुल कॉस्ट वर्थ इट होता है। थैंक यू डॉक्टर। अब तो मुझे लग रहा है आई शुड गो फॉर लेजर डेंटल प्रोसीजर्स ओनली। दे साउंड वेरी कंफर्टेबल। व्हाई नॉट, यू शुड गो फॉर मोस्ट इफेक्टिव एंड कंफर्टेबल ट्रीटमेंट फॉर योर स्माइल।